वो हम माँ बाप को बताते कि मैंने क्यों इसको अनफॉलो किया। तो स्टोरी ये है कि एल्विस की फ्रेंड कट आ रही है, एक डील लेके मेरी टीम के पास आ रही है, हमें साथ में कॉलैब करना था। एल्विस ने कॉलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एल्विस ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि कॉलैब मैंने और एल्विस ने किया था और वो वीडियो हम दोनों के प्रोफाइल में शो कर रहा था। तो जब मेरा प्रोफाइल है तो उसमें मेरा फोटो भी आना चाहिए क्योंकि हम और एल्विस दोनों किए हैं। बिग बॉस 32 में दिख चुकी मनीषा रानी आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। झलक दिखलाजा 11 की विनर बनने के बाद मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा हुआ है। कुछ समय से ही एल्विश यादव, जी हां एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और इसी के चलते ये दोनों ही लोग लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में मनीषा रानी ने अपने YouTube चैनल पर भी इस बात का जिक्र किया था कि आखिर उनके और एल्विश के बीच की अनबन की असली वजह क्या थी। अब मनीषा रानी ने मीडिया से बात करते हुए एल्विश यादव पर निशाना साधते हुए काफी कुछ कहा है या फिर निशाना साधने की कोशिश की है। एल्विश यादव पर उनका गुस्सा निकालते हुए मनीषा रानी ने कहा, मैं व्यूज पाने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करती, मैं जो भी करती हूँ उससे मुझे व्यूज मिलते हैं, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में नहीं टिक पाते हैं, उन्हें तो करना है और करने दो, मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ। मनीषा रानी का ये बयान यकीनन एल्विश यादव के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बता दें कि कुछ समय पहले ही एल्विश यादव ने मनीषा रानी के नाराजगी को बचकाना हरकत बोल दिया था और इसी वजह से मनीषा रानी और भी ज्यादा खफा हो गई थी। खैर दोनों के बीच चल रही लड़ाई इनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बता दें कि मनीषा रानी और एल्विश यादव की मुलाकात सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस OTT2 में शुरू हुई थी। इस शो में एल्विश के लिए बेबिका घुरवे की दीवानगी देखते हुए बनी थी। जी हाँ, बेबिका को मस्ती भरे अंदाज में परेशान करने के लिए ही मनीषा रानी एल्विश से खूब बात करती थी। इसी दौरान एल्विश और मनीषा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि कुछ समय पहले ही किसी कोलैबोरेशन के चलते दोनों के बीच गलत फहमी क्रिएट हो गई। वैसे मनीषा रानी के लेटेस्ट बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।